हाय स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 रिवीजन का, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हम जो भी डिस्कस करेंगे आज, जो भी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, उन्हें आपको नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द 10 चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। जब भी किसी फूड का ब्रेक डाउन होता है, सेल के अंदर रिलीज होती है एनर्जी, इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन है, हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर होता है। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब वैन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं ऑक्सीजन के यूज के साथ हो रहा है, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोले जा रहे हैं। जब भी फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर इक्वेशन दी है, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। वही एनारोबिक की बात करें तो ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जब ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है समटाइम प्लस एनर्जी। जब हम बहुत टाइम साइकिलिंग वॉकिंग करके आते हैं, तो हमारे में मसल स्पेस होता है, तो उसका रीजन है कि तब एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस होती है, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे मसल्स में, जिसकी वजह से हमें क्रम्प्स आते हैं छोटे छोटे, मतलब देखते हैं कि बहुत बार दुखना स्टार्ट हो जाता है। दैट वाई इनहेलेशन, यानी जब भी हम टेकिंग ऑफ रीच एयर इन रीच इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी, इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम सांस अंदर लेते हैं, उसे इनहेलेशन बोलते हैं। जब हम सांस को बाहर निकालते, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज नो रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। अगर हम ब्रीथिंग रेट की बात करें, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। एक मिनट में कितनी बार पर्सन ब्रीथ करता है, उसे इन अ मिनट इज नोन एज ब्रीथिंग रेट। ब्रीथ वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब कि एक बार सांस अंदर जाना और एक बार सांस बाहर आना। नॉर्मली 72 टाइम्स हम लोग अलग अलग, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम नसल कैविटी, दैट इज नोज से हमारे बॉडी में जाता, देन लंग्स जिसके पास एयर रीच होती है, चेस्ट कैविटी, देन डायफ्राम, अ लार्ज मस्कुलर सेट कॉल्ड डायफ्राम। ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसी को रिलेटेड डिस्कस करते हैं। जब भी हम इनहेल करते हैं एयर को, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, हमारा नसल पासेज ओरल कैविटी, माउथ, फेरिंक्स, देन ट्रैशियम, उसके बाद लंग्स और रिब्स गिवन है, और डायफ्राम ये नीचे जो लाइन है, दैट इज डायफ्राम। वहीं हम बात करते हैं जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, रिब्स जो होते हैं वो मूव करते हैं आउटवर्ड, और जो डायफ्राम है वो कहाँ जाता है, मूव्स डाउन। वहीं एक्सलेशन का जब पूछा जाए, तो रिब्स मूव करती है बैकवर्ड, मतलब नीचे अपने पोजिशन पर आती है, और डायफ्राम भी अपनी जगह पर वापस आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पर गिवन है कि एक बॉटल में तुम्हें लंग्स का अगर देखना है कैसे फंक्शन करता है इनहेल एक्सहेल का, तो ये जो नीचे फनल जैसा स्ट्रक्चर रबर लगा देना है, ऊपर कॉक फिट करके दो बलून से इसमें डाल देना है, उसके बाद तुम जब यहाँ से अप डाउन करोगे तो तुम्हारे लंग्स फूलेंगे और जो बलून से ये ग्रो करेगा और रिलैक्स करेगा, तो उस तरह से आपको पता चले। और फिर जब फाइंड आउट करना है कि हम जब एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तो अगर हम लाइम वाटर के अंदर हमारी सांस को बाहर डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो मिल्की में टर्न हो जाएगा। इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन कर लेते हैं, एक्सहेल में 16.4% ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है जब हम इनहेल करते हैं, और एक्सहेल करते हैं तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी रिलीज करती है। वहीं अगर हम कॉकरोच वगैरह की बात करें, तो उनके बॉडी में ट्रैशिया जो प्रेजेंट होता है पूरे में फॉल, यहाँ पे जैसे बताया गया पूरे में फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से वो सांसें ले पाता है। अर्थवर्म जो होता है वो अपनी स्किन से लेता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो मॉइस्ट स्लिपरी स्किन है उससे लेता है। वहीं अगर हम ब्रीथिंग ऑर्गन इन अंडर वाटर की बात करें, तो गिल्स होते हैं, गिल्स वाटर को अंदर ले लेता है, उसमें से फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके माउथ के थ्रू वो बाकी जो बचा हुआ पानी को फेंक देता है। वहीं अब प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स के अंदर रूट है प्रेजेंट से, जिससे वो लेता है, प्लस टोमेटो जो है वो हेल्प करता है लेने ब्रीथिंग प्रोसेस में, उन्हें हेल्प करता है। तो हमारे चैप्टर का डिस्कशन यहीं खत्म होता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर इसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन अवर मसल्स, व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो क्या प्रोसेस होता है, दैट इज एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होती है। इट इज यूज इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज, बिकॉज इट रेस्पायर, जो ईस्ट होते हैं वो क्या करते हैं,
एनारोबिक प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट होता है, एनारोबिक प्रोसेस से रेस्पायर करते हैं जिसकी वजह से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन द रिब्स मूव्स, जब एक्सलेशन करते हैं तो रिब्स कहाँ मूव करती है, डाउन एंड इनवर्ड, कहाँ इनवर्ड की तरफ मूव करती है। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स ओ टू टू द बॉडी, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। विच आर द गैसेज इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, कौन सी दो गैसेज इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग के टाइम पे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, ऐसे प्लांट जहाँ पे हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, दैट इज लंग्स में, वेयर इट इज लंग्स। देन आफ्टर हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस वी गेट मसल्स क्रैम्प, किसके एक्युमुलेशन से, मतलब किसके आ जाने की वजह से हमें मसल्स पेन्स होते थे, अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज लैसेटिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमें मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन बींग्स इन नॉर्मल कंडीशन इज, कितनी होती है जब हम ब्रीथिंग रेट लेते हैं, तो 15 to 18 times इन अ मिनट, 15 to 18 times हम ब्रीथिंग रेट हमारी होती है जब हम नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं। इन हायर एनिमल रेस्पिरेशन अकॉर्स थ्रू, अगर हायर एनिमल्स की हम बात करें तो रेस्पिरेशन अकॉर्स थ्रू दैट इज लंग्स में से होती है। देन क्वेश्चन नंबर 10 दैट द फूड हैज डैश विच इज रिलीज ड्यूरिंग डैश, फूड में क्या प्रेजेंट होता है जो रिलीज करता है ड्यूरिंग डैश, द स्टोर्ड एनर्जी, द फूड स्टोर एनर्जी एंड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे वो रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 ईस्ट आर सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनारोब्स, जो ईस्ट है वो बिना एब्सेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन में भी बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसे उन्हें क्या बोला जाता है एनारोब्स। द एक्लोमेशन ऑफ डैश कॉसेस मसल्स क्रैम्प, ये बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है, तो मतलब तुम्हें ये याद रखना कि लैसेटिक एसिड के एक्लोमेशन से मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रीच इन ऑक्सीजन इन द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, क्या बोला जाता है इनहेलेशन। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डैश एंड डैश, जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं तो किसका मूवमेंट होता है, दैट इज डायफ्राम एंड रीप केज का मूवमेंट होता है। चूज द ट्रू एंड द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हर ऑर्गेनिज्म इसलिए रेस्पायर करता है ताकि उसको एनर्जी मिले फ्रॉम फूड, तो यस हर ऑर्गेनिज्म क्यों रेस्पायर करता है, ताकि जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाए, और ब्रेक डाउन होने पर क्या होता है ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, हर एक में सेलुलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स में टेक प्लेस करता है, तो यस मसल कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिक, जो मसल्स हैं क्या एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, तो एनारोबिकली मतलब ऐसा जिसमें ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस कर जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होने के पर भी हम कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो यस। देन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट डिक्लाइंस फॉल्स, जब ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज क्या होता है द ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, जो हमारी ब्रीथिंग की रेट है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, जब हम ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड्स मूव करता है ना कि अपर। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन एक्सहेल्ड एयर इन कंपेरिजन टू द इनहेल्ड एयर, तो ये भी क्या है ट्रू है, जब हम एक्सहेल्ड करते हैं मतलब बाहर निकलते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इनहेल के टाइम, अभी हमने डिस्कस किया था हम इनहेल करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है 0.04% होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं जब हम बाहर अपना एयर को निकाल रहे हैं तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 4.4% हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया कि दो टाइप के रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने डिस्कस किया था। मसल्स क्रैम्प्स क्यों होते हैं, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें लैसेटिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमें मसल्स क्रैम्प्स आता है। ब्रीथिंग रेट वेराई करती है, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो हायर हो जाती है, नहीं तो लो रहती है। देन उसके बाद डायफ्राम जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो नॉर्मल पोजीशंस पे आ जाता है, रिब केज भी नॉर्मल पोजीशन में, जब इनहेल करते हैं तो रिब्स जो है वो डाउनवर्ड अपवर्ड मूव करते हैं और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है। तो हमारा चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म यहीं खत्म होता है। ओके नेक्स्ट सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।